हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो है सूजी के पकौड़े। हाँ, सूजी के पकौड़े तो हैं, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ आएगी, वो है पनीर। पनीर और सूजी के पकौड़े बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल से। आज मैं बनाऊँगी, देखेंगे आप और ट्राई करके देखिएगा। बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ेदार, बच्चों को भी पसंद आएंगे और आप लोगों को भी पसंद आ जाएंगे। और पनीर खिलाने का एक नया तरीका मिल जाएगा आपको। और बगैर फ्राई किए हुए, डीप फ्राई होंगे पर अलग स्टाइल से। चलिए देखते हैं चल के मेरे किचन में और बताइएगा ज़रूर कैसे बने। अब हम लोग का ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें पहले आप प्याज डालिए, हरी मिर्च डालिएगा बाद में। गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। अब इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए। अब इसमें शिमला मिर्च डाल दीजिए। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, चुटकी भर हल्दी डालनी है। अब जो हम लोगों का क्रश किया हुआ पनीर है वो इसमें डाल देंगे। अब ये हम लोगों की सूजी है, ये आधी कटोरी से भी कम है, वो इसमें डाल दीजिए। बस इसको आधा मिनट तक भूनना है। अब इसमें पानी डाल दीजिए। अब इसका एक टाइट सा डो बनाना है, इसे पकाइए। बस इसको इतना ही रखना है, अब इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इसका फ्लेम ऑफ कर दीजिए, एक प्लेट में निकाल के इसे ठंडा होने रख दीजिए। अभी हम लोगों का बैटर ठंडा हो चुका है, इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। अब इसे मिला लीजिए। देखिए कि हम लोगों को पकौड़े बनाने हैं, वो भी पनीर वाले।
पनीर ये मैंने काट के रखे हैं पीसेस में, इसको ऐसे उंगली के सहारे से जमा करिए और इसमें ये पनीर का पीस रख दीजिए और इसे बंद कर दीजिए। ऐसे सारे पीस बना के रख लीजिए, बन गया। फिर लीजिए ऐसे पनीर। बन गया, ऐसे ही रख लीजिए पीस बना। हम लोग का ऑयल गर्म हो चुका है, अब ये बना के रखे हैं हम लोगों ने, ये आप इसमें डाल दीजिए और इसे स्लो फ्लेम में फ्राई करिए। अब ये चारों तरफ पका लीजिए। ढकने में पकने दीजिए। अब ये हम लोगों के अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब एक से प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये हम लोगों के पनीर के पकौड़े बन चुके हैं। अब हम लोगों के पकौड़े बन चुके हैं, अब आप भी जाइए ट्राई करके देखिए और मस्ती खाइए, चाहे सॉस के साथ चाहे टमाटर सॉस के साथ। और बन गए ना कितनी जल्दी झटपट पनीर के पकौड़े, और देखिए पनीर उसमें डीप फ्राई भी नहीं होती है, हेल्दी भी है और थोड़ा अनहेल्दी भी है, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। चाहे सॉस के साथ खाइए और चाय चाय के साथ खाइए, चाय ऐसे ही इंजॉय करिए। अब आप जाइए अपने किचन में और बनाइए जाके, लेकिन हाँ रुकिए रुकिए, पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर ये वीडियो कैसी लगी आपको, यूज़फुल लगी इंजॉयफुल लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कैसी बनी है, अच्छी या बेकार या बहुत अच्छी। और लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है बिंदास मोनिका लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे, रात मस्त रहे। बाय।